वेलकम टू द ट्यूटोरियल्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है, हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है, और ये जो है ना, हम अपनी लेयर की जो आउटपुट आती है, उस आउटपुट को हम एक्टिवेशन फंक्शन में एज ए इनपुट देते हैं, और उसकी जो आउटपुट होती है वो नेक्स्ट लेयर की इनपुट में जाती है। तो फंक्शन is attached to each neuron in the network and determines whether it should be activated or not. तो जो फॉर एग्जाम्पल सिग्मॉइड जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उसकी आउटपुट या ज़ीरो होगी, ज़ीरो के करीब होगी या वन होगी। तो 0.5 से अगर ज़्यादा उसकी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वो न्यूरॉन फायर हुआ है, और अगर 0.5 से कम है तो वो न्यूरॉन जो है ना फायर नहीं हुआ। बेस्ड ऑन वेदर Each neuron's input is relevant for the model's prediction. Activation function also help normalize the output of each neuron to a range between 1 and 0 and between minus 1 and 1. तो ये जिस activation function की बात हो रही है, ये sigmoid और 10H की बात हो रही है। Sigmoid के अंदर जो हमारी output होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, और 10H के अंदर हमारे पास minus 1 और 1 के दरमियान होती है। तो हमें एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जो नॉन लीनियरिटी अब बेसिकली जितने भी प्रिडिक्शंस हम करना चाहते हैं अपने डाटा सेट के ऊपर, वो ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जो फंक्शन होता है वो लीनियर हो। तो नॉन लीनियरिटी ऐड करने की वजह से हम जो है कम्प्लेक्स जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कंप्यूटर वीएन और एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो अच्छे मॉडल्स बनते हैं और उसकी अच्छी आउटपुट हमारे पास आती है, प्रिडिक्शन एक्यूरेसी जो है ना ज़्यादा होती है। और एक्टिवेशन फंक्शन हमें इस तरह का सेलेक्ट करना चाहिए जो कि कंप्यूटेशनली एफिशिएंट हो, यानी कि उसकी कंप्यूटेशन इतनी ज़्यादा ना हो कि एक एक्टिवेशन फंक्शन के फॉरवर्ड पास में और बैक प्रोपेगेशन के अंदर ही सारा टाइम लग जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सिग्मॉइड है और एक 10H है। तो सिग्मॉइड जो है वो 0 और 1 के दरमियान होता है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर 1 आएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो उसका आंसर 0 आएगा। अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.5। लेकिन हमारे जो 10H है उसके अंदर जो है वो अगर नेगेटिव हमारी वैल्यूज़ हों तो हमें -1 मिलेगा, 0 हो तो 0 मिलेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हों तो हमें 1 आउटपुट मिलेगी। और एक्टिवेशन फंक्शन ये जो सिग्मॉइड और 10H है, इनसे ज़्यादा जो कंप्यूटेशनली इफेक्टिव हैं वो हमारे पास हैं रेलु और स्विश। रेलु रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। एक्टिवेशन फंक्शन एट ईच न्यूरॉन ऑफ अ लेयर इन न्यूरल नेटवर्क वेट्स ऑफ दैट न्यूरॉन्स आर मल्टीप्लाइड विद आउटपुट ऑफ लास्ट लेयर। The activation function is a mathematical gate in between the input feeding the current neuron and its output going to the next layer. It can be as simple as a step function that turns the neuron output on and off depending on a rule or a threshold, or it can be a transformation that maps the input signal into output signal that are needed for the neural network to function. The neural network, jaise ki humne पिछली फॉरवर्ड पास और इंट्रोडक्शन में भी देखा था, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना वो हमारे पास इनपुट आ गई, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, टेक इनपुट एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूरॉन्स वेट्स। अब उसको मल्टीप्लाई करती है, उसके अंदर बायस ऐड कर देंगे, यानी कि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। अब इस पूरी वैल्यू जो हमारे पास इनपुट आ गई है, इसका जो है ना हम एक्टिवेशन फंक्शन उसके ऊपर लेंगे, सिग्मॉइड लेंगे तो 1/1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास रेलु है
तो मैक्सिमम आप 0, x, इसी तरह हमारे पास 10h है, तो वो अगर वैल्यू उसकी ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो 1 आ जाएगा, अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो -1 आ जाएगा, 0 होगी तो 0 आ जाएगा। तो इसकी जो आउटपुट होती है उस आउटपुट को फिर हम एज अ इनपुट ले लेते हैं नेक्स्ट लेयर के लिए। इंक्रीजिंगली न्यूरल नेटवर्क्स यूज नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन विच कैन हेल्प द नेटवर्क लर्न कॉम्प्लेक्स डेटा, कंप्यूट एंड लर्न ऑलमोस्ट एनी फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ क्वेश्चन एंड प्रोवाइड एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। तो जो नॉन लीनियर फंक्शंस को लर्न करने के लिए जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। अब सबसे सिंपल जो आपको आइडिया देने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का, वो हम देखते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शन। बाइनरी स्टेप फंक्शन जो है ना थ्रेशोल्ड बेस्ड एक्टिवेशन फंक्शन है। तो बेसिकली ऐसे है कि हमारी जो वेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट में बाय से ऐड करेंगे, वो हमारे पास इनपुट आ जाएगी जो हमने इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है। उसको जब हम उसकी वैल्यू एक थ्रेश होल्ड सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0, 0 से ज़्यादा है तो हम न्यूरॉन फायर कर देंगे, 0 से कम है तो न्यूरॉन फायर हम नहीं करेंगे, वो ऑफ हो जाएगा उसके आउटपुट। तो इसका जो है ना वो तो इसमें ऐसा है कि इस एक्टिवेशन फंक्शन को हम उसको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास दो क्लासेस हों, अगर दो से ज़्यादा क्लासेस हों तो उस डेटा को ये लर्न नहीं कर सकता। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन ये क्या करता है कि इनपुट लेता है, उसको मल्टीप्लाई करता है वेट से, और जो है आउटपुट सिग्नल प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वो ले लेता है। लीनियर फंक्शन जो है वो स्टेप फंक्शन से बेहतर है क्योंकि वो मल्टीपल आउटपुट्स को भी इनको ऑपरेट कर लेता है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है क्योंकि लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। ऑल लेयर्स विल कोलैप्स इनटू वन। हाँ, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारे पास लीनियर अगर हम सेलेक्ट करें तो वो नॉन लीनियरिटी हमारे जो न्यूरल नेटवर्क की है वो लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे लेयर्स हैं वो सारी एक लीनियर रिग्रेशन बन जाएंगी, और जो न्यूरल नेटवर्क की जो बेसिक जो एक चीज़ है वो एक्टिवेशन फंक्शन है जो नॉन लीनियरिटी ऐड करती है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लर्न करती है। तो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन वो सिग्माइड है। उसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 के दरमियान होती हैं, और ये क्या कहता है प्रिवेंट्स जंप्स इन आउटपुट वैल्यूज। तो क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हों तो उसको जो है ना 1 के करीब ले आता है आउटपुट, और नेगेटिव हो तो उसको 0 के करीब ले आता है, तो इसमें जो है ना आउटपुट में जंप्स नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इनपुट एक लेयर के अंदर वैल्यूज हैं 15 और -15 और 1 लाख, -2 लाख, इस तरह से, तो उसकी जो आउटपुट्स आएंगी वो 0.9 और 1, 0, तो 0 और 1 के दरमियान होंगी। एंड इनपुट इज वेरी हाई और वेरी लो दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक में है 1 लाख वैल्यू और दूसरी में है 500, तो उसकी वैल्यू 0.9, दोनों वैल्यू 0.9 के करीब करीब होंगी, तो उसमें जो है ना हमें वो लर्न नहीं कर सकते। आउटपुट्स आर नॉट सेंटर्ड एट 0, रादर दे आर सेंटर्ड एट 0.5, और ये है भी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, यानी कि इसको कैलकुलेट करने में हमारी काफ़ी सारी जो है ना वो मशीन की कंप्यूटेशन यूज होती है। तो ये इसका फंक्शन है। इस तरह 10h हाइपरबोलिक टेंजेंट है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना 1 और -1 के दरमियान वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसका ये फायदा है कि ये 0 सेंटर्ड है, और हमारे पास जो इनपुट वैल्यूज हों हाई, नेगेटिव, न्यूट्रल और हाई पॉजिटिव, उन सब को हम इसके अंदर इनको ऑपरेट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास है रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इस एक्टिवेशन फंक्शन में ऐसे होता है कि अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो वो लीनियर है, उसका लीनियर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो वो सारी जीरो हो जाएगी। तो ये इसकी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसकी वजह से जो है ना मॉडल ज़्यादा क्विकली रन करता है। इट इज़ नॉन लीनियर, इट ऑल्सो हैज़ अ डेरिवेटिव, और अगर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन हम वही यूज़ करते हैं जिसका हमारे पास डेरिवेटिव भी हो, ताकि हम बैक प्रोपेगेशन के अंदर उसको यूज़ कर सकें। व्हेन इनपुट्स आर क्लोज टू जीरो और नेगेटिव, ग्रेडियंट ऑफ और फंक्शन इज जीरो, कैन नॉट परफॉर्म बैक प्रोपेगेशन एंड कैन नॉट लर्न। तो हमारे पास अगर वैल्यूज इधर हो जीरो के करीब या नेगेटिव में चली जाएं, तो हम उसके ऊपर जो है ना वहाँ न्यूरल नेटवर्क नहीं लर्न कर सकता। तो इसको जो है ना हम वो सॉल्व कर सकते हैं लीकी वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करके। तो इसके अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसमें पॉजिटिव स्लोप एक थोड़ी सी ऐड करके 0.1 × x, तो ये 0.1 जो है ना इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ना हम बैक प्रोपेगेशन नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं।